तारीख का सबसे बड़ा फितना अगर कोई होगा तो वो है दज्जाल दज्जाल के के फितने से अल्लाह हर नबी ने खबरदार किया है और सबसे ज्यादा अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद हजरतम ने दज्जाल के फितने से आगाह किया है और इस फितने से बचने की तदाबीर बताई है अहादिसे मुबारक में दज्जाल का जिक्र तवातुर के साथ आया है इसलिए इसके खरोज का सिरे से इनकार कर देना अहादीस का इनकार करना है और सही अहादीस का इनकार करना रसोल्ला वसलम का इनकार करना है और रसोल्लाम का इनकार करना अल्लाह का इनकार करना है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक शख्स ने दज्जाल को गैर इरादी तौर पर अपनी आंखों से देखा और उससे बाकायदा गुफ्तु की ये शख्स ये हस्ती कौन थे किस जमाने में थे और उनकी दज्जाल से क्या बात हुई ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुलाजा कीजिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां घंटे के निशान को दबाना ना भूलें वरना आपको कैसे पता चलेगा हमारी नई वीडियो का नाजरीन दज्जाल के हवाले से वो मशहूर तबील हदीस जो मुख्तलिफ कुतुब अदीस में मरकूम है और मोहदीसी ने कराम के हाँ, फातमा बिनते है दरअसल इन तमाम असलाहत से एक ही हदीस मुराद है जिसमें नबी करीम साल वाली वसल्लम के मशहूर साहबी हजरत तमीम दारी रज से मनसूब जजीर दज्जाल के एक अनोखे सफर का वाकया बयान हुआ है और ये पूरा एक हज़रत फातिमा वाकबिया है और अल्फाज के थोड़े बहुत और इजाफे के साथ सही मुस्लिम जामयिजी सुनने अभी दाऊद और सुनने इबन माजा में भी मौजूद है नाजरीन हजरत तमीम दारी रजू अहल फलस्तीन के राहिब और हाबित थे मजहबी तौर पर वो पहले एक ईसाई थे लेकिन नौ हिजरी में वो मुसलमान हो गए उनके साथ साथ उनके भाई जिनका नाम नाइम या नुअन था वो भी मुसलमान हो गए दोनों भाई शर्फे सहाबियत से मुशर्रफ हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में भी शरीक हुए नाजिन हजरत वही मशहूर सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में सबसे पहले चराव रोशन किया ये बड़े आबदो तहजद गुजार बुजुर्ग थे और इस हदीस में भी जो हम आपको अभी बयान करने जा रहे हैं फजीलत मालूम होती है हदीस की तफसी कुछ इस तरह से है कि मशहूर ताबई हजरत आमिर बिन शराख़ील ने हजरत दहाक़ बिन क़ैस रजील्लाह की बहन हज़रत फ़ातमा बिन कैस रजील्ला त से दरख्वास्त की कि जो अव्लिन हिजरत करने वाली सहावियत में शामिल थी और अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी हदीस आप सुनाइए जो आपने बजात ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम से सुनी हो किसी और की तरफ उसको मंसूब करके बयान ना हज़त ताला ने फरमाया कि अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी चुनाचे हजरत फातिमा यूँ गोया हुई कि मैंने मुगैरा के बेटे से निकाह किया था जो इन दोनों कुरैश के बेहतरीन जवानों में शुमार होते थे लेकिन वो नबी करीम सल्लम के साथ पहले ही जिहाद के दौरान जाम शहादत नोश कर मेरे बेवा होने पर बिन ताला अन्होंने मुझे निकाह भेजा साहब करम रज अजम की एक जमात में और हजूर सलम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत जैद रजू के साहिबजादे हज़रत ओसामा अन्हों के लिए मेरे पास पैगामे निकाह भेजा हजरत फातमा बिन कैस रदिल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मुझे हदीस मालूम थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो मुझसे मोहब्बत रखता है उसे चाहिए कि वो ओसामा से भी मोहब्बत रखे इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हुस वसल्लम ने मुझसे इस सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरा मामला आपके हाथ में है और आप जिससे चाहे मेरा निकाह कर दो जिस उनका नबी करीम अलैहि वसम ने मुझसे फ़रमाया कि तुम उम श रजुल्लाहा जो कि सहाबिया थीं उनके यहाँ मुंतकिल हो जाओ और वहाँ अपने इद्दत के अयाम गुजारो क्योंकि उम श शरीक अनसार की वो सहाबिया रजुल्लाहा थी कि जो मालदार और सखी ख़ातून थी और अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करती थी चुनाचे उनके पास मेहमान ब आते जाते थे चुनाचे मैंने अर्ज किया कि मैं ऐसा ही करूंगी लेकिन फिर ये सोच कर के उनके पास तो बहुत मेहमान आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐसा ना करो क्योंकि उम्मे शरीक के पास बकसरत मेहमान आते हैं और मैं इसको ना पसंद समझता हूँ कि तुम्हारा दुपट्टा तुमसे गिर जाए या तुम्हारी पिंडली से तुम्हारा कपड़ा हट जाए और लोगों की नजर तुम पर पड़े जो तुम्हे नागवार गुजरे इसलिए तुम अपने चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अम अबन उम मकतम जो के नाबीना सहाबी में शुमार किए जाते हैं उनके यहाँ मुंतकिल हो जाओ हज़रतमो कुरैश में बनी पहर के उसी कबीले से ताल्लुक रखते थे जिनसे हज़रत फातिमा रजिला का ताल्लुक था चुनाचे हजरत फातिमा बिनत कैज़ रजिला कहती है कि मैं उनके घर चली गई हज़रत फातिमा बिन तैज़ रजिला अनहा कहती है कि जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो एक दिन मैंने रसल्ह वसल्लम के मुनादी यानी ऐलान करने वाले को ये कहते हुए सुना असला जामिया यानि नमाज जमा करने वाली है यानि नमाज तैयार है मस्जिद की तरफ चलो यानी ये नमाज का ऐलान था चुनाचे मैंने मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम नमाज से فارغ हो चुके तो मिंबर पर तशरीफ ले गए और फरमाया मुस्कुराते हुए कि जिस आदमी ने जहां नमाज पढ़ी है वहीं पर बैठा रहे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुमको मालूम है कि मैंने तुमको क्यों जमा किया है सहाब करम रजील्ल्ला तै अजमिन ने अर्ज़ किया अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा जानते हैं रसूल तो अल्ला वसम ने फ़रमाया अल्लाह की कसम मैंने तुमको इसलिए जमा नहीं किया है कि मैं तुमको कुछ दूँ या कोई खुशखबरी सुनाऊँ और ना इसलिए जमा किया है कि तुमको किसी दुश्मन से डराऊँ बल्कि मैंने तुमको तमीमदारी रजील्ला तू का वाक़ सुनाने के लिए जमा किया है तमीमदारी एक ईसाई शख्स था और वो मेरे पास आया और मुसलमान हो गया यानी अब ये मेरा सहाबी बन गया और मुझको एक ऐसी खबर थी जो उन खबरों से मुशावे थी जो मैं तुमको मेरे सहाबा मसीह दज्जाल के बारे में बताता रहता हूँ उसने बयान किया कि वो तीस आदमियों के साथ समंदर की बड़ी कश्ती में सवार हुआ समंदर की मौजों ने कश्ती के साथ शौकिया शुरू की और एक माह तक वो कश्ती को इधर से उधर लिए फिरती रही आखिर मोजे कश्ती को आफ्ताब गुरुब होने के वक्त एक जजीरे में ले हम छोटी कश्तियों में सवार हुए और जजीरे में पहुंचे वहा हमको एक चौपाया मिला जिसके बड़े बड़े बाल थे और इतने ज्यादा बाल इसके जिस्म पर थे कि उसके ना आगे का पता चल रहा था ना पीछे का मालूम होता था हम लोगों ने उससे कहा तुझ पर अफसोस है तू कौन है एक गार में है वो तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत मुश्ताक है तमीम दारी का बयान है कि इस चौपाए ने उस शख्स का जिक्र किया तो हम इससे डरे और ख्याल किया कि मुमकिन है वो इंसानी सूरत में शैतान न हो गर्स हम तेजी से आगे बढ़े और कलीसा या गार या गिरजे में पहुंचे हमने वहाँ एक बहुत बड़ा और खौफनाक आदमी देखा कि ऐसा आदमी आज तक हमारी नज़रों से ना गुजरा था वो नहायत मजबूत बंधा हुआ था उसके हाथ गर्दन तक और घुटने तखनों तक जंजीरों में जकड़े हुए थे हमने उससे पूछा तुझ पर अफसोस है तू कौन है उसने कहा तुमने मुझको पा लिया है और मालूम कर लिया है तो अब मैं तुमसे अपना हाल ना छुपाऊंगा यानी मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूं पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो तवीम दारि जदील तबी पाकलम को बताया तो नबी पाकलम बताते हैं इनके इस बात को के तमीमदारी उच्च को कहते हैं कि हम अरब के लोग हैं। समंदर में कश्ती पर सवार हुए थे समंदर की मौजे एक महीने तक हमारे साथ खेलती रही और आखिरकार हमको यहाँ इस जजीरे में ला डाला हम जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो हमको एक चौपाया मिला जिसके बड़े बड़े बाल थे उसने हमसे कहा मैं जासूस हूँ या उसने अपना नाम बताया कि मैं जसासा हूँ और तुम उस शख्स के पास जाओ जो कलिसा में है तो फिर हम तेरे पास दौड़ते हुए आए फिर उस जंजीर में जकड़े हुए शख्स ने हजरत तमीम दारी रजील से पूछा कि क्या बैसान के बागात में खजूरों के दरख्तों पर फल आते हैं हजरत तमीम दाड़ी रजी ला तन कहते हैं हमने उस शख्स से कहा हाँ फल लाते हैं फिर उस शख्स ने कहा कि वो जमाना करीब आने वाला है कि जब ये दरख्त फल ना लाएंगे यानी कुरब क़यामत का जमाना फिर उस शख्स ने एक और सवाल किया कि ये बदलाव बहिरा तिबरिया यानी तिबरिया के तालाब या झील में पानी है या नहीं हजरत तमीम दाड़ी कहते हैं हमने उसको कहा कि उसमें बहुत पानी है इस पर उस शख्स ने फिर कहा कि अनकरीब उसका पानी खुश हो जाएगा फिर उसने पूछा कि जगर के चश्मे का हाल बताओ क्या उस चश्मे में पानी है और क्या उसके करीब बाशिंदे चश्मे के पानी से काश्तकारी करते हैं हजरत तमीम दाड़ी रजुल्ला कहते हैं कि हमने उस शख्स को कहा कि उसमें बहुत पानी है और वहाँ के लोग उसके जरिए खेती भी करते हैं इस पर उस शख्स ने कहा कि उसका पानी भी खुश हो जाएगा फिर उसने पूछा उम्मियों के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी अरब के नाखानंदा लोगों के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम के बारे में बताओ उन्होंने क्या किया तो हजरत तमीम दारी रदील्ला कहते हैं कि हमने कहा कि वो मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना मनवरा तशरीफ ले गए हैं उसने फिर पूछा कि अरब उनसे लड़े हैं। हजरत तमीम दारी कहते कि हमने उससे कहा कि हाँ उसने पूछा उन्होंने अरब से क्या मामला किया हमने तमाम वाक्यात से उस शख्स को आगाह किया और बताया कि अरबों में से जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्ता हैं उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलबा हासिल कर लिया है और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली है फिर उस शख्स ने कहा तुमको मालूम होना चाहिए कि उनकी इताअत करना ही उन सब के लिए बेहतर है अच्छा अब मैं अपना हाल बयान करता हूँ मैं मसीह है, दज्जाल हूँ और मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा मैं बाहर निकलूँगा और ज़मीन पर फिरूँगा यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी ना छोड़ूँगा जिसमें दाखिल ना हो चालीस रातें बराबर गश्त में रहूँगा लेकिन मक्के और मदीने में ना जाऊँगा कि वहाँ जाने की मुझको ममानियत की गई है मैं जब इन शहरों में से किसी में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो एक फरिश्ता जिसके हाथ में तलवार होगी मुझको दाखिल होने से रोकेगा और इन शहरों में से हर एक रास्ते पर फरिश्ते मुकर होंगे जो रास्ते की हिफाजत करते होंगे उसके बाद वसल्लम उस ने हजरत तमीम दारी की सारी बातें बताने के बाद अपने असा मुबारक को मिंबर पर मार कर फरमाया ये तैबा है ये तैबा है यानी मदीना फिर आप वाली वसल्लम ने फरमाया खबरदार क्या ये ही मैं तुमको ना बतलाया करता था सावे कर हमें यही बताया आप सल्लाम ने फरमाया कि आगाह रहो के दज्जाल दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में है नहीं बल्कि वो मशरक की जानब निकलेगा यह फरमा कर आप वाली वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से मशरक की जानब इशारा किया नाजरीन दज्जाल ने अपने खरूज की तीन निशानियां बयान की थी जिनमें पहली बैसान के बागात का जिक्र था बैसान फलस्तीन में एक जगह का नाम है उसे सबसे पहले हजरत उमर के दौरे खिलाफत में मशहूर सिपा बिन हसना ने फतह किया था 1924 में खिलाफत में के सुकूत के बाद जब जजीरा अरब के हिस्से बिखरे हुए तो ये उर्दन का हिस्सा बन गया 1948 तक ये इस्लामी मुल्क उर्दन का हिस्सा था लेकिन मई 1948 में इसराइल ने बेसान समेत इस गिर के इलाके पर कब्जा कर लिया और ताहाल ये इसल के कब्जे में है जो दाली रियासत है ये इलाका कदीम जमाने में खुजुरों के बागात के लिए मशहूर था जिसकी तस्दीक साहबी तमीम दारी रज उन्होंने की लेकिन अब यहाँ फल नहीं पैदा होता मशहूर मौरख और सयाह अल्लामा याकूत हमवी अपनी शरा आफ़ाक किताब बुलदान में फरमाते हैं कि मैं कई मरतबा बहसान गया हूँ लेकिन मुझे वहाँ सिर्फ दो पुराने खजूरों के बाग ही नज़र आए हैं इससे मालूम हुआ कि यहाँ के बाग पहले फल देते थे छः सौ छब्बीस हजरी तक जो अलामा हमवी की तारीख़ वफात है इन दरख्तों ने फल देना बंद कर दिया था ये इस बात की तस्दीक है कि वो जमाना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे गोया दज्जाल के खरूज की तीन बड़ी अलामतों में से ये एक अलामत पूरी हो गई है निशानी अपने खरूज की दज्जाल ने बहरे तिब्रिया का पानी खुश होना बताया था नाजरीन बहरे तिब्रिया इसराइल के शुमाल मशरक में उर्दन की सरहद के करीब वाक़ है इसकी लंबाई 23 किलोमीटर ज़्यादा से ज्यादा चौड़ाई 13 किलोमीटर और इंतहाई गहराई है। है। इसका कुल रकबा किलोमीटर इस पर इस वक्त इसराइल का कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के रफ्ता रफ्ता खुश्क होता जा रहा है इसराइली हुकूमत खलीजे अकबा से पानी की पाइप लाइनों के जरिए यहाँ पानी जाती है लेकिन बहरे तिब्रिया का पानी मीठा और समंदर का पानी कड़वा है इसलिए इसे मीठा करने के लिए बड़े बड़े प्लांट नस्ब करने पड़े हैं जिससे बड़े पैमाने पर अखराजात आते हैं बहरे तिब्रिया के खुशक होते साहिलों की तस्वीरें कई साल पहले छाया हो चुकी हैं इसका खुशक होना इस बात की दलील है कि दज्जाल के खरूज की दूसरी अलामत भी या तो करीब पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है ने तीसरी निशानी जगर के चश्मे का पानी खुश होना बताया है जगर हजरत लूत सलाम की साहिबजादी का नाम है हज़रत लूत सलाम की दो साहिबजादियां थी रबा और जगर बड़ी साहिबजादी को इंतकाल के बाद जिस जगह दफनाया गया वहाँ करीब ही एक चश्मा था जिसका नाम एन रबा पड़ गया अरबी में चश्मे को एन कहते हैं छोटी साहिबजादी के इंतकाल पर उन्हें भी एक चश्मे के करीब दफन किया गया तो उसका नाम एन जगर यानी जगर का चश्मा बन गया नाजरीन ये जगह भी इसराइल ही में है भहरे मुर्दार के मशरक में है दज्जाल की तफ्तीश और तजस के मुताबिक ये तीसरी जगह भी इसराइल में वाक है और इसका पानी खुश्क होते ही तीसरी निशानी भी पूरी हो जाएगी और दज्जाल को उरूज की इजाजत मिल जाएगी